नमस्कार। विद्यावाणी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब कक्षा 12 के मूल अधिकारों के जो पहले विषय चल रहा था उसी पर चर्चा करेंगे। आज का मूल अधिकार है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। तात्पर्य क्या है? तीन प्रकार की बातें इस अनुच्छेद में कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन न किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है और उस समय वो कानून सरकार के द्वारा लागू किया हुआ है, अगर उसका उल्लंघन नहीं किया गया है तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो कई बार कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस समय ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के पश्चात उस विषय से संबंधित कोई कानून लागू हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जब उसने अपराध किया था उस समय तो वो कानून नहीं था लेकिन बाद में बन गया, तो बाद में बनने के बाद उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। कहने से अपराध के समय में ही जो कानून चालू है उसका उल्लंघन अगर नहीं किया है तो व्यक्ति अपराधी नहीं माना। अनुच्छेद 20 में दूसरी बात कही गई है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दंडित कर दिया है उस समय सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून लागू नहीं था जो उस व्यक्ति के अपराध से संबंधित है और बाद में सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया गया तो वो व्यक्ति बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब अपराध किया था उस समय वर्तमान का कोई कानून उस समय नहीं था, तो इसलिए अगर सरकार ने बाद में कोई इस प्रकार का कानून बनाया है तो वो व्यक्ति बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात इस अनुच्छेद में कही गई है निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जाना, कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा 4 साल 5 साल की सजा जुर्माना आदि निर्धारित कर दिया गया है तो प्रशासन उस सजा में और बढ़ोतरी नहीं कर सकता। जितनी सजा निर्धारित की गई है उस सजा तक कहीं वो व्यक्ति हकदार है, उससे ज्यादा अगर उसे सजा दी जाती है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। यह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी हो गया है तो इन बातों के साथ अगर के अलावा उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इस अधिकार को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है जीवन जीने का अधिकार जो कि एक नैसर्गिक अधिकार है। इस अधिकार से कोई भी व्यक्ति सरकार प्रशासन व्यक्ति को निषेध नहीं कर सकती। ये ही एक मात्र मूल अधिकार ऐसा है जो आपातकाल के समय में भी निरस्त नहीं होता है। बाकी सारे अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में निरस्त किया जा सकता है लेकिन ये अधिकार आपातकाल में भी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और उस स्थिति में भी अगर उसके अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी अनुच्छेद में 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 21 कै के आधार पर एक अधिकार और जोड़ा गया है, वो है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्राप्त करवाना राज्य सरकार का दायित्व होगा, यानी प्रत्येक सरकार को अपने 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के अवसर उपलब्ध करवाना प्रत्येक सरकार का दायित्व होगा, ये 21 कै के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण से संबंधित संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है, यहाँ तो था अपराध की दोष सिद्धि हुई है कि नहीं हुई, यहाँ है कि उसे बंदी बना लिया गया है तो उस समय संविधान उसे कौन कौन सी सुरक्षाएं प्रदान करता है। तो बंदी बनाने से संबंधित संरक्षण के अधिकार में व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। सबसे पहले कारण बताना, अर्थात जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो पुलिस से बंदी बनाने के कारण पूछ सकता है कि किस अपराध में उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। इसी में दूसरी सहायता संरक्षण जो संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है वह कानूनी सहायता प्राप्त करना, यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो व्यक्ति अपना कोई वकील या अन्य कानून सरकार के द्वारा या स्वयं के द्वारा
लॉगिन प्राप्त करना चाहता है तो उसमें प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा और उसे कानूनी सहायता प्राप्त करवाई जाएगी। तीसरी और अंतिम बात की संक्षेप की है, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना। ये कानून बना हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इन अधिकारों में भी एक बात जो सामान्य या कॉमन है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति देश हित के विरुद्ध है, देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, उस समय उन अपराधी व्यक्तियों को ये स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जाती है। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। जैसे कि हमारे प्राचीन समय में हम देखते थे या अंग्रेजों के शासन काल में भी हम देखते थे कि जमींदार होते थे या अंग्रेज होते थे वो व्यक्तियों से बेगार लेते थे, यानी कि श्रम तो करवा लिया लेकिन उसके बदले में उसे किसी प्रकार का मेहनताना नहीं देना या वेतन नहीं देना, वो बेगार कहलाता था। और इसी के साथ दासों को खरीदना और बेचना, इस प्रकार का काम भी उस समय होता था। तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां वर्तमान में हावी न हो इसके लिए अनुच्छेद 23 के माध्यम से संविधान ने यह व्यवस्था दी कि किसी भी मानव का क्रय विक्रय नहीं हो और उसके श्रम का उसे उचित मेहनता ना मिले। अगर नहीं मिलता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक। 14 साल से छोटी उम्र के अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें किसी खतरनाक जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, कोई संगठन करता है तो उसकी तत्काल शिकायत करके उसे अपराध दंडित करवाया जा सकता है। और अगर इसमें स्पष्ट रूप से सरकार के माध्यम से संविधान के माध्यम से कहा गया है कि इस प्रकार के जोखिम भरे कार्यों को करवाने के लिए